एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ में एक एप्लीकेशन क्या थी, मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज। दूसरी एप्लीकेशन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हमने अननोन रेजिस्टेंस भी निकाल ली, व्हीटस्टोन ब्रिज से किसी भी बॉडी का टेम्परेचर भी निकल सकता है। तो शीट नंबर 69 है, मैंने गलती से, मुझे मालूम नहीं था, ये शीट को दो बार लिख दिया, 69 नंबर शीट और 70 नंबर शीट एक ही है, तो 69 काट दो चाहे, सिर्फ 70 कर लो। तो 70 नंबर शीट से शुरू करते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक, तो आपने क्या करना है इसमें, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज लेना है। तो ये आपने लिया P, ये लिया Q, ये लिया R और ये लिया R नॉट, कुछ भी। अब आप टेम्परेचर निकालना चाहते हैं, एक काम करना है, टेम्परेचर निकालने के लिए आपने एक वायर लेनी है, ये जो ये वाली वायर देख रहे हो, ये वाली, ये एक खास किस्म की वायर है, प्लेटिनम की बनी हुई है। प्लेटिनम वायर इसलिए क्योंकि इसकी टेम्परेचर की वैल्यू से रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत जल्दी चेंज होती है, हल्का सा टेम्परेचर चेंज हुआ रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज करता है प्लेटिनम, इसलिए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है, तीन बार एक्सपेरिमेंट करना है आपने, एक किसी भी गर्म बॉडी का टेम्परेचर निकालना है। सबसे पहले आप इस रेजिस्टेंस को आइस पे रखें या आइस पॉइंट पे रखें, 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी आर जीरो। ब्रिज को बैलेंस करें, क्योंकि बैलेंस किए हुए तो काम करेगा भी नहीं। मान लो ब्रिज आपने बैलेंस कर दिया, आपने पी क्यू और ऐसे सेलेक्ट किया कि ब्रिज बैलेंस्ड है, तो रेशियो क्या बनेगी, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई आर जीरो। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पी बाई क्यू इज आर बाई आर जीरो, तो यहां से आर जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज है, आप उस प्लेटिनम वायर को 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पॉइंट पे लेके जाएं, स्टीम पे लेके जाएंगे और ब्रिज को बैलेंस करेंगे, तो P by Q is equal to R की जगह R डैश करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर R 0 की जगह R 100 हो गया, ये रेशियो तो बराबर ही है, तो R की जगह R डैश कर दिया ताकि ब्रिज बैलेंस हो जाए, यहाँ से R 100 निकाल दिया, ठीक हो गया। अब तीसरा स्टेप है, जिस बॉडी का टेम्परेचर आपको निकालना है उस पे उस रेजिस्टेंस को रख दें, तो मान लो वो टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, तो फिर से ब्रिज को बैलेंस करें, P by Q is equal to, अब आपको क्योंकि ये वैल्यू R ऑफ T हो गई, तो ये फिर से चेंज करना पड़ा, आर डबल डैश करना पड़ गया, तो यहां से आर ऑफ टी भी नहीं आ गया, एक बार आर जीरो आ गया, आर हंड्रेड आ गया, आर टी आ गया। अब आपको पता है जब आप जीरो से हंड्रेड पे लेके आए थे, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, आर हंड्रेड इज आर जीरो वन प्लस एल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, 100 माइनस 0 इज 100, ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है। इसे ओपन करें, आर जीरो को लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, एल्फा की वैल्यू निकाल लें, इक्वेशन नंबर 4 एल्फा आ गया। उसी तरीके से टेम्परेचर 0 से टी हो गया, तो आर ऑफ टी इज आर 0 1 प्लस एल्फा इन टू टी, यहां से आर 0 को मल्टीप्लाई करें, आर टी माइनस आर 0 करें, एल्फा फिर से निकाल लें, एक बार आपने एल्फा यहां से निकाला, एक बार आपने एल्फा यहां से निकाला, लेकिन एल्फा तो एल्फा ही है, सेम है, दोनों एल्फा को इक्वेट कर दें, दोनों एल्फा को इक्वेट करके आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर टी, तो टी एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी आ गया, टेम्परेचर निकाल लिया। अब लास्ट स्टेप है, आर टी माइनस आर जीरो की वैल्यू कैसे आएगी, देखो आर टी माइनस आर जीरो, हमने आर टी निकाला था इक्वेशन नंबर 3 से, चेक कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 से आर टी की ये वैल्यू थी, हमने आर जीरो निकाला था इक्वेशन नंबर 1 से, 3 और 1 को माइनस कर दो, आर जीरो की वैल्यू पुट कर दो, क्यू बाई पी कॉमन। फिर ऐसी आर हंड्रेड माइनस आर नॉट में, आर हंड्रेड हमने निकाला हुआ है इक्वेशन नंबर 2 से, आर जीरो निकाला हुआ इक्वेशन नंबर 1 से, माइनस करके क्यू बाई पी कॉमन, ये वैल्यू को उठा के न्यूमिनेटर में, ये वैल्यू को उठा के डिनोमिनेटर में, क्यू बाई पी कैंसल, आंसर। तो इस तरीके से टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि बैलेंस तो हमने किया था, बैलेंसिंग करते हुए R, R डैश, R डबल डैश तो मैंने ही पुट किया था, तो इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू से मैं टेम्परेचर को निकाल सकता हूँ। एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, इसके न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, R ऑफ T इज इक्वल टू R 0 1 प्लस एल्फा इंटू टी वाला न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं।